सीधे रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, बड़ी जानकारी वहां से मिल रही। बहुचर्चित कोल घोटाला मामले में आरोपी की पेशी है। मनीष उपाध्याय को ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौम्या चौरसिया का सबसे करीबी राजदार है मनीष उपाध्याय, 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पिछले 1.5 साल से फरार था आरोपी मनीष उपाध्याय, एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में करेगी पेशी। रोहित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित अपडेट दीजिएगा विस्तार से। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद मनीष उपाध्याय को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पिछले दिनों उनको गिरफ्तार किया गया था, लगभग 8 दिनों पहले 1.5 साल से वो फरार मनीष उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद 8 दिन की रिमांड पर जो कोर्ट है उसने एसीबी ईओडब्ल्यू को दिया था। उसके बाद में आज रिमांड खत्म हो रही है, तो खत्म होने के बाद में आज फिर भी थोड़ी देर बाद जो है उनको पेश किया जाएगा और एक बार फिर से एसीबी ईओडब्ल्यू अतिरिक्त रिमांड की मांग कर सकती है और कम से कम 15 दिन की रिमांड की मांग जो जानकारी है उसके हिसाब से एसीबी ईओडब्ल्यू करती हुई नजर आएगी। और मनीष सिसोदिया वही व्यक्ति है जो सौम्या चौरसिया का बेहद खास था और कोल घोटाले पे जिस प्रकार से जो तमाम पैसे के लेन देन संबंधित काम जो है मनीष सिसोदिया के हाथ में जो है वो दिखाई देता था, तो कुल मिलाकर एक बड़ा व्यक्ति था जिसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल रोहित, और इसके बाद कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए रोहित शुक्रिया आपका।